नमस्कार बुलेटिन को स्वागत। पुलिस खोलिला भुवनेश्वर लेडी ब्लैकमेलर रो ईमेल आईडी, मेल रु मिलिला 20 देहजीवी फोटो और तथ्य। मुंबई और कोलकाता युवती को आनी चलाइथिला हनी ट्रैप। सेबडे लेडी ब्लैकमेलर मेल रे रहिछि 64 जन राजनेता, फिल्म प्रयोजक, बिल्डर, रेलवे अधिकारी अश्लील फोटो। समस्त को ब्लैकमेलिंग करिथिला लेडी ब्लैकमेलर। 2018 रु सेक्स रैकेट चलाइबा सह आरंभ करिथिला एवं ओकिलाती पाठ न पढ़ी निजक हाइकोर्ट वकिल बोली परिचय देउथिला एही लेडी ब्लैकमेलर। 2015 भुवनेश्वर आसी प्रथमे एक पार्लर काम करूथिला गिरफ महिला। भुवनेश्वर लेडी ब्लैकमेलर को जहां को गिरफ करा जायछि तारो ईमेल आईडी खोला जायछि एवं सेथिरे 20 देहजीवी फोटो और तथ्य सामना को आसी। सहित 64 जन राजनेता, फिल्म प्रयोजक, बिल्डर और रेलवे अधिकारी अश्लील फोटो सामना को आसी। से ईमेल आईडी सब तथ्य बाहर को आसुची। मुंबई कोलकातारु देहजीवी मानक आनी हनी ट्रैप चलाइथिला ए लेडी ब्लैकमेलर। 2018 रु सेक्स रैकेट चलाइबा आरंभ करिथिला निजे निजक हाइकोर्ट वकिल बोली परिचय देउथिला। तेज 2015 मसीह से भुवनेश्वर आसी प्रथम पार्लर में काम करता परवर्त पर्याय 2018 सेक्स रैकेट चलाइबा आरंभ कर मुंबई और कोलकाता युवती की आणु देहजीवी जो कारबार चलाइला जो ईमेल आईडी जो ब्लैकमेलर ईमेल आईडी खोल जाए 20 देहजीवी फोटो आर तथ्य मिली। सहित 64 जन राजनेता, फिल्म प्रयोजक, बिल्डर मान अश्लील फोटो सामना को आसी। एबड़े हनी ट्रैप मामलें बड़ खुलासा। लेडी ब्लैकमेलर को जाल में फसी बहु प्रभावशाली राजनेता, एमती मंत्री विधायकों फसाई ब्लैकमेल करी लेडी ब्लैकमेलर। लगातार दुई दिन धरी गिरफ लेडी ब्लैकमेलर को पचराउचरा बेले सामना को आसी किसी विस्फोरक तथ्य। ना गोपन रखी जने तदंतकारी अधिकारी न्यूज 18 ओडिया को जो तथ्य देते राज्य राजनीति महल में सृष्टि करिपारे हलचल। राजधानी में हनी ट्रैप मास्टरमाइंड लेडी गिरफ होगापर खोलुची गोटे परे गोटे गुमर। ए युवती जनक राजनैतिक महल एत बड़ हलचल सृष्टि करते एवं धीरे धीरे पदा को आसुची। एने गुरुत्वपूर्ण सुराग लगी न्यूज 18 ओडिया हाथ में। लेडी ब्लैकमेलर को दुई दिन लगातार जेरा बेले जो तथ्य सामना को आसी ता पुलिस अधिकारी चकित कर तदंत करुवा जड़े वरिष्ठ अधिकारी सूत्र मिलता सूचना अनुसार यही लेडी ब्लैकमेलर बहु प्रभावशाली राजनेता फसाई ब्लैकमेल कर सूचना मिली। लेडी ब्लैकमेल मोबाइल रही अनेक नेता, मंत्री और विधायकों ना, बीजेडी, बीजेपी और कांग्रेस किसी प्रभावशाली नेता ना काले लेडी ब्लैकमेल मोबाइल रही। सूचना मिली जे बीजेपी जड़े प्रभावशाली नेता 5 कोटी टंका दाबी करते लेडी ब्लैकमेलर। बीजेपी से ही नेता पश्चिम ओडिशार जड़े प्रभावशाली नेता, ता छड़ा वर्तमान सरकार जन मंत्री को ब्लैकमेल करते युवती। मंत्री जनक एक गुरुत्वपूर्ण विभाग दायित्व अच्छा संपृक्त मंत्री जनक लेडी ब्लैकमेलर कोटे अधिक टंका दाबी कर सूचना मिली। केवल से नुहे वर्तमान विधानसभा एक गुरुत्वपूर्ण दायित्व वरिष्ठ सदस्य को ब्लैकमेल करते युवती। विधानसभा वरिष्ठ सदस्य युवती फोटो रही चर्चा होवल बीजेपी की बीजेडी नुहे कांग्रेस जड़े वरिष्ठ नेता तथा पूर्वतन विधायक को हनी ट्रैप्रे फसावाक उद्यम करते रहस्यमय युवती। कांग्रेस वरिष्ठ नेता दक्षिण ओडिशार प्रतिनिधित्व करते से दल पर कर लेडी ब्लैकमेलर से ही नेता फोटो भाइराल होसबू तथ्य सामना को आसवा पर ओडिशार राजनीतिक महल रे एक बड़ धरण हलचल सृष्टि होई। एबे आसंतु जानिबा बड़ बड़िया केमिति हनी ट्रैप करी ब्लैकमेल करुथिले एही रहस्यमय युवती। प्रथमे खूब गोपनर सहित एही महिला जनक धनी और प्रभावशाली लोकंकु निजर टार्गेट बनांती। प्रथमे संग्रह हुए फोन नंबर आउ तापरे तांक सहित धीरे धीरे संपर्क तयारी करंती।
यापर जाल बिछाइबा आरंभ करती एही रहस्यमयी महिला महिला और तांक सहित थिबा किछि लोक प्रभावशाली भितर एभली विश्वास सृष्टि करती जे सेथिरे केही अविश्वास करि पारंती नाही। तापर हुए सेक्स डील एबे वायरल होईछि सही डील बेलर वीडियो वीडियो रे लेडी ब्लैकमेलर एक स्थान रे बसि कहा को फोन करुवा देखा मिलूँ ए वीडियो सही डील बेलर बोली वायरल होभली ढंग से प्रभावशाली व्यक्ति को देह जाल फसा जाए डील रे राजी होपर जो स्थान निरूपण कराए से ही स्थान को बेस पूर्व पहुंची था लेडी ब्लैकमेलर और टीम तापर से ही रूम किंवा से ही घरे अति गोपनीय भाव सीसीटीवी कैमेरा लग जाए पर ही महिला जनक पूरा वीडियो फोटो देखा प्रभावशाली व्यक्ति को ब्लैकमेल करिबा आरंभ करती पुलिस पाखक जावाक भी से ही लोकंर आउ साहस हुए ना कारण सामाजिक लज्जा रखापी से टा देवा प्रस्तुत हो जाती हनी ट्राप्रे लेडी ब्लैकमेलर बड़ बड़ लोक फसाई रोजगार करोटि कोटि टा आलिशान कोठा नामीदामी गाड़ी सह विलासमय जीवन जापन करुले लेडी ब्लैकमेलर जहाँ एवं पुलिस और आयकर विभाग स्कानर को आसी भुवनेश्वर दीपक सामल न्यूज 18 ओडिया आसंता कालीठ धर्म मास कार्तिक प्रतिपदार आरंभ हो कार्तिक व्रत व्रतधारी श्रीक्षेत्र निःशुल्क शिविर आसंता कालीठ प्रशासन पक्ष शिविर आरंभ हो तबे यहा पूर्व नरेन्द्र कोण से वृंदावती भवन में भिड़ जमाइले विभिन्न जिलू आसीथिबा हबिष्याली आज हबिष्याली को आई कार्ड प्रदान निर्धारित होता शिविर को पठाजी एथर हबिष्याली पुरी में पांचटी शिविर हो वृंदावती भवन अक्षय पात्र कोठा बगला बागेड़िया धर्मशाला और पौर संस्था कल्याण मंडप प्राय 3000 अधिक हबिष्याली रहीपारे प्रशासनिक अधिकारी और स्वेच्छासेवी को नहीं एने प्रशिक्षण शिविर कर दीर्घ 2 वर्ष पर स्थायी कोठार हबिष्याली निःशुल्क व्यवस्था होती आसंता काली शिविर को मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे सेपटे हबिष्याली कार्य अवहेला को बरदास्त करा बोली जिलापा जहां जो दायित्व दि जाऊँगी श्रृंखलित भाव निर्वाह करने जिलापा ब्रेक पर स्वागत आज आरंभ हो विश्व प्रसिद्ध गजलक्ष्मी पूजा संध्या ढेंकानाल सहर मोट 38 पूजा मंडप में कलश जात्रा करा जाए रीतिनीति अनुसार पूजा करा जिबो मां को आवाहन करा जिबो वेद मंत्र पाठ सह घंट घंटा शंखध्वनि प्रकंपित हो पूरा ढेंकानाल आज कुमार पूर्णिमा तिथि गजलक्ष्मी पूजा आरंभ हो 18 तारीख जाए चल 19 तारीख मेलाणी ने मां धनदात्री आगमन पर ढेंकानाल समस्त पूजा मंडप प्रस्तुति शेष हो शांति श्रृंखला और सुरक्षापी मुतयन हे 15 प्लाटून फोर्स पूजा पूर्व पुलिस निजर उपस्थिति जाहिर करने को फ्लाग मार्च कर गजलक्ष्मी पूजा पर पूरा सजाई होई ढेंकानाल सहर आशीष रंजन शतपथी अधिक आलोचना करने आम सहित अच्छा आशीष आज धनदात्री पूजा और ढेंकानाल प्रसिद्ध पूजा पर आम ढेंकानाल विशेष भाव परिचित पाई केमती प्रस्तुति देखी एवं कलश यात्रा एवं अन्यान्य नीतिकांति मांग के आरंभ हो निहत भाव में देखो स्वाति ढेंकानाल जो प्रसिद्ध गजलक्ष्मी पूजा रही आज कुमार पूर्णिमा तिथि ता आरंभ हो संध्या पर जहाँ कार्यक्रम रही माँ को आवाहन कर समस्त जो 38 गोटी पूजा मंडप रही माँ को कलश यात्रा प्रथम अनुष्ठित होबे वेद मंत्र पाठ शंख घंट घंटा ध्वनि में पूरा ढेंकानाल सहर आज प्रकंपित हो कारण इतने समस्त प्रस्तुति सरी केवल माँ को धनदात्री आगमन को अपेक्षा रही से सका सका देखिपे आम वर्तमान जो रही आनंद बजार पूजा पेंडाल पाखे रही समस्त जो रही कार्यकर्ता सका सका उपस्थित रही जहाँ शेष कम रही केवल ताकू भाव में सारे से नहीं प्रस्तुत रही आम आलोचना करें आम सहित बजार अच्छा संपादक कौन कहे आज माँ को आगमन रही संध्या पर आरंभ हो समस्त जो रही प्रक्रिया बर्तमान सुधा कि कम सर प्रथम नमस्कार न्यूज 18 की स्वागत कर ढेंकानाल सहरवासी की गजलक्ष्मी पूजा उपलक्षे समस्त स्वागत दीर्घ 2 वर्ष धरी कौन सी प्रकार भल पूजा होना यही वर्ष 38 जाक पूजा मंडप समस्त उत्साहित अच्छा ये वर्ष पूजा जमी भल मन पर ही करेंगे आम समस्त स्वागत करुच्छू ए वर्ष
समस्ते गजलक्ष्मी पूजा को आसतु और पूजार उपभोग करूँ। आज कौन प्रक्रिया रही है सन्ध्या बेले केमती कौन पूजा हम आज कलश यात्रा हम आम साढ़े तीन टा बेले आखरी ठू आस कलश यात्रा आसला माँ का पाखे कलश रखला पूजा आरंभ हम आत भाई कार्यकर्ता अच्छा आज गणेश आम जो देखा तेरे आनंद बजार में गजलक्ष्मी पूजा पाई सब स्वतंत्र आयोजन चलित बर्ष केमी आयोजन रही पूरा बहुत भल आयोजन चलती साधा सदा ठाकुर पूजा पाठ सब बहुत भल भाव हो बर्ष आशा कर बहुत भल हम लाइट डेकोरेसन सब सन्धार आज पुणी सब पूजा पाठ आरंभ हो जीवदान पाइबे बहुत सरस सुंदर हम बहुत भल हम थर के मात्रा आज अपेक्षा कर रही केवल पूजा मंडपर कर्मकर्ता नुहति ढेंकानाल सहरवासी अनेक राज्य तथा राज्य बाहर लोक मैंने ढेंकानाल सहर को आसी तो केमी रही पूरा प्रस्तुति केमी वर्तमान सुधा सर आमि आग को प्रक्रिया हम आज जेहे आगमन रही माँ कोविड गत दु वर्ष है माँ को पूजा कौन से अबला है कितु निराड़ किंतु जेहेतु दु वर्ष अंत पर नुआ जीवन जापन आरंभ हो जाए ढेंकानाळवासी मन प्राण निहां लगी जाए केमी आम कि नुआ करवा जहाँ आम ऐतिह्य परंपरा बजाय रोब आ सारा ओडिशा रे प्रसिद्ध लाभ कर गजलक्ष्मी पूजा पूरी ढेंकानाळ उत्सवमुख रही पार से प्रत्येक बजार से स्वतंत्र भाव में निज निजर शैली पूजा अर्चना आरंभ करी आम आनंद बजार बासीदा आनंद बजार जो कर्मकर्ता केते खर्च हो हिसाब ना 18-20 लाख टाइम बजेट वर्ष कर 15 दिन काल से बर्तमान शोना केते अर्थ खर्च होते बल खर्च हो तार हिसाब ना से मुझे ओडिशावासी समस्ते आम जो खर्च हो परिश्रम हो तार मूल्य देवाई स्वागत करूँ से आम ढेंकानाळ आसतु आमर उपभोग करूँ जार फल आम पाइपर आती भाव में 38 गोटी पूजा मंडप देखा तेज दीर्घ एक मास पूर्व एने प्रस्तुति आरंभ होता पूजा को किभली भाव में अधिक सरस सुंदर करें समस्त पूजा कमिटर कर्मकर्ता कहतु अन्य जो माने सदस्य रही जिला प्रशासन समस्त निहत भाव में प्रस्तुति रही आज संध्या पर माँ को आवाहन प्रक्रिया पूजा पाठ आरंभ हो जदि आम देखा तेज जो शेष कम भी जहाँ रही कि भाव में सब पूजा मंडप जो मैंने कर्मकर्ता रही सारे से नहीं लगे आम सहित नना शेष पर्यायर प्रस्तुति को आगे नहीं आम लगातार गजलक्ष्मी पूजा ढेंकानाळ और विभिन्न जिलूर चित्र देखा बर्तमान बहुत बहुत धन्यवाद। एबड़े गजलक्ष्मी पूजा पाई चलचंचल अनुगूल एथिपाई सब पूजा कमिटी पक्षर जोरदार प्रस्तुति चली कोरोना जो दुई वर्ष है बंद थी पूजा किंतु एथर पूजा को धूमधाम रे पाळिबा समस्त प्रस्तुति होई भली कि भली तोरण रंग बेरंगर आलोक सजा एवं 29 मंडप एथर माँ पूजा पाइबे बस स्टाण्ड लक्ष्मी बजार बजार छक संजीवनी मार्केट हरिमहुरी छक आमवालपड़ा शिक्षक पड़ा आदि बजार व्यापक प्रस्तुति होई बजार छक एथर समुद्र भितर दृश्य को प्रतिफलित करुवा बेले बस स्टाण्ड डायमंड हार्बर कांचन बजार राम मंदिर प्रतिकृति तैयारी सेपर केदारनाथ मंदिर प्रतिकृति मंडप देखा मिल एथर गजलक्ष्मी पूजार भिड़ अधिक हो तेणु सब् पूजा मंडप बैठक कर शांति श्रृंखलार केमी पूजा करे से आलोचना कर प्रशासन पक्ष सुरक्षा व्यवस्था उपर गुरुत्व दि जा 19 तारीख में हम भसाण उत्सव दीपिका दिनेश पारिवारिक मामलें हो पारुनी समाधान मामला दिनक दिन शांत होगा परिवर्ते आहुरी बिगुड़ी गत दुई दिन धरी दिनेश को परिवार और दीपिका को भितर पाटितुंड पर शुक्रवार संध्या दिनेश को परिवार लोके घर छाड़ केड़े चली जाइंट एवं दिनेश को घरे ताला झुलू आ बारंडार न्याय पाइबा आशे दीपिका सेपटे दीर्घ दिन धरी पुओं दूर से रही पुओ को नहीं भाव विहड़ हो पड़ती दीपिका निज पु फोन में वीडियो कल कथा होती मुहर हस थे भी पुओं दूरे रहीबार कोह मन भितर देखा मिली पुओ बेस किसी समय कथा होती दीपिका पुओ को निज बापार परिचय हक दाबी रे दीर्घ दिन धरी धारण में बसी दीपिका कैलाश बेहरा अधिक आलोचना करने आम सहित अच्छा कैलाश या भितर दिनेश को परिवार लोक छाड़ी चली जाइंटी अंपटे न्याय पर अपेक्षा कर दीपिका कौन आशा करमती कौन न्याय मिल कहते हाँ
ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଏବେ ସତୀ ଯଦି କହିବା ଦୀର୍ଘ ଆଜିକି 68 ଦିନ ବିତିଗଲା ଦୀପିକା ସେଭଳି ଭାବେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ଏବଂ ଏହା ସହିତ ନିଜ ପୁଅକୁ ତା ବାପାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଏଭଳି ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ବଦଳରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ତ ଦୂରର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସହାୟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଦିନେଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆଡ଼େ ନା ଦିନେଶଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପତାକତା ମିଳୁଛି ନା ଦିନେଶ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ନା ପରିବାର ଲୋକ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କହିବେ ଦିନେଶ ଦୀପିକା ଯଦି କହିବା ଦୀର୍ଘ 68 ଆଜି ଦିନ ବିତିଲେନି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଏଭଳି ଧାରଣାରୁ ବସିବେ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକି ତ 68 ଡେଜ୍ ହେଲାଣି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ପାଇନି ଫିର୍ ବି ଗୋଟେ ଆଶାରେ ଅଛି କି ଆଗକୁ ମାନେ ମାନେ 13 ତାରିଖ ଅଛି ମହିଳା କମିଶନର ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବି ଆଉ ଆଗାମୀ 11 ତାରିଖ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଡିସିଜନ୍ ଶୁଣେଇବେ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଅଙ୍କାଣେ ଡିଏନ୍ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଡିଏନ୍ଏର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଯାଇ ମୁଁ ଏଠୁ ହଟିବାର ନାହିଁ ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବି ଆଣିକି ଯେଉଁ ଦିନେଶର ମା କହୁଛନ୍ତି ଡିଏନ୍ଏ କ'ଣ ତାଙ୍କେ ମୋତେ ବାହା ହେବେ ନା ତାଙ୍କେ ମୋତେ ରଖିବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯଦି ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିବ ମୁଁ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ତାଙ୍କେ ବହୁ ରୂପରେ ମୋତେ ଘରକୁ ଧରିକି ଯିବେ ନା ଆଉ ଯେଉଁ ଡିଏନ୍ଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଚିପକେଇବି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରି ଏବେ ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଏବେ ମୋତେ ବି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଡିଏନ୍ଏ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଦରକାର 68 ଦିନ ହେଲା ନିଜ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲା ଯେହେତୁ 20 ମାସର ଅଛି କେମିତି କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏତେ ସାନ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିକିରି ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ଏକୁଟିଆ ବସି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଛାଡ଼ିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ କି ମା ଆଉ ଛୁଆ କେତେ ମାନେ ପେନ୍ରେ ଥିବେ ସିଏ ସେପଟେ ମନ ପକାଉଥିବ ମୁଁ ଏପଟେ ମନ ପକାଉଛି ଫିର୍ ବି କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦିନେଶ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟାଂଶର ବାପା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କେତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦିନେଶର ମା ବାପା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଲିଗାଲରୁ ହଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିକଜ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ଆଖି ଅଛି ଦିନେଶର ମା ଦିନେଶର ବାପା ଦିନେଶର ଭାଇ ଆଉ ଦିନେଶର ମାମା ଏ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିକଜ୍ ତାଙ୍କର ଆଖି ଅଛି ଯେହେତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ଆଖି ଅଛି ତାଙ୍କ କ'ଣ ନିଜ ଛୁଆଟାକୁ ନିଜେ କାହିଁ ହଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ଏତରୁ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଦିନେଶର ବି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଦିନେଶ କ'ଣ ସେଇଟା ଭଞ୍ଜନଗରରେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଖାଇବୁ ବିକଜ୍ ବାହାରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଦିନେଶ ଯେହେତୁ ଏତେ 68 ଦିନ ବିତିଲା ଗୋଟେ ପଟେ ଅସହାୟ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ଦିନେଶ ଅନୁରୋଧ କରିକି ସେ ଫେରି ଆସେ ଖରାପ ବର୍ଷା କାକରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଲଗାତାର ଜାରି ରହିବ ଏହା ଭିତରେ ଦୀପିକା ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଦିନେଶଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ କୈଳାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ପାଇଁ।